अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जाजिस किचन। आज लेकर आई हूँ बहुत ही झटपट बनने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल की बटर चिकन, मेरे स्टाइल में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। एक पॉट ले रही हूँ जिसे मैंने गरम कर लिया और इसमें 2 टेबलस्पून तेल जाएगा। बस तेल गरम होते ही इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा और ज़ीरे के चटकने के बाद 1 बड़ी प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है वो इसके अंदर जाएगा। और प्याज अगर आपके पास मीडियम साइज़ की है तो 2 यूज़ कर ले। तो इसे बस हमने कोई डार्क ब्राउन नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंसी हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज करने लगे और खुशबू आने लगे तो इसमें टमाटर जाएगा। टमाटर 4 मीडियम साइज़ के ले रही हूँ जिसे मैंने चॉप कर लिया है। रफली चॉप कर सकते हैं क्योंकि इसका पेस्ट ही बनना है, बट मैंने छोटे चॉप किए ताकि जल्दी से बन जाए। नमक ऐड कर रही हूँ, उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर जिसे मैंने भून कर पीस लिया था धनिया को। तो ये सारे इसके अंदर टमाटर में जाएंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज डालने के बाद अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, तो मैं अदरक लहसुन अभी डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। कोई मसला नहीं है, आप अभी भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और पकाती रहूँगी तब तक कि इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए। इसके बाद मैं 5 मिनटों के लिए इसे लो फ्लेम पर ढक देती हूँ ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। तो ये मैंने फ्लेम को लो कर लिया। चले 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं खोल कर दोबारा चेक कर रही हूँ कि कहीं कोई दाग ना लग रहा हो, क्योंकि मैंने पानी कुछ ऐड नहीं किया था। चले अब अच्छे से इसे भून लेती हूँ ताकि सारी जो चंकनेस टमाटर की वो ख़त्म हो जाए। और देखिए ऑयल निकल रहा है, तो अभी हम इसके अंदर काजू डाल देते हैं। वो प्रोसेस 10 मिनट का हुआ था और 10 मिनट के बाद हमने इसमें 1 कप काजू और कस्तूरी मेथी जो है 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। तो इसे अच्छे से डाल लें और इसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्च इसके अंदर जाएगा। हरी मिर्च आपके ऊपर है, अगर आप और तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं स्किप करना तो स्किप भी कर सकते हैं। चले हरा धनिया हरी मिर्च चली गई और अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून अपना घर का बना गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ। इसका लिंक आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके बाद 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर गर्म पानी डाल रही हूँ और बस अच्छे से हमने मिक्स किया। दोबारा इसे ढाप दूँगी नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर, ये ताकि ये फुली कुक हो जाए। चलें जब तक कि वो पकता है हम अपनी चिकन मैरिनेट करते हैं। यहाँ चिकन थाई ले रही हूँ बोनलेस, आप चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। इसमें बस जाएगा नमक। नमक के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बादशाह तंदूरी चिकन मसाला 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च। बस इसे अच्छे से हमने मिलाना है। मैरिनेट आप 1 दिन पहले भी कर सकते हैं या बिल्कुल बिल्कुल पकाने से पहले भी। मैं बस इसे मैरिनेट करके 5 मिनटों तक रखती हूँ जब तक मैं अपना जो टमाटर का बेस है उसे चेक करती हूँ। तो इसे साइड पर मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया और ये देखें हमारे टमाटर फुली कुक्ड हो गए, बिल्कुल ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इस तरह का ये लगना चाहिए। तो चले वो मैं ठंडा होने के लिए साइड पर रखती हूँ, जब तक कि वो ठंडा होता है मैं अपनी चिकन फ्राई कर लूँगी। तो बस वो ठंडा हो जाए तब तक अपनी चिकन रेडी हो जाएगी। तो मैं फटाफट अपनी चिकन यहाँ पर फ्राई करने लगी हूँ। शैलो फ्राई हमने करना है बस थोड़े से तेल में, लगभग 2 से 2.5 चम्मच तेल काफ़ी होना चाहिए। चलिए चिकन ने बस 70% तक कुक होना है, तो मैं इसे साइड पर निकाल लेती हूँ। बचा हुआ हम ग्रेवी के साथ बनाएंगे। तो हमने बस इसे साइड पर निकाल कर रख दिया और यह हमारा टमाटो बेस बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो मैं इसे ग्राइंडर में बिल्कुल प्योर लाइक स्मूथ प्योरे बना लूँगी ताकि कोई इसके अंदर चंक ना रहे और बहुत स्मूथ ग्रेवी बने। तो चले हमने दोबारा एक पॉट में जिसमें मैंने चिकन तली थी वो ही तेल यूज़ करूँगी, लगभग 1 टेबलस्पून, और इसके अंदर जो प्योरे मैंने बनाया है बेस का वो जाएगा। तो इसके बाद 1 कप मैं गर्म पानी का ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारी प्योरे जो है काफ़ी थिक है, हमने उतनी थिक भी नहीं चाहिए, अभी चिकन ने पकती हैं तो वो और ना थिक हो जाए, इसीलिए मैं एक गरम कप का पानी डाल रही हूँ। मेक श्योर करें आप गरम पानी यूज़ करें। तो चलें इसके बाद हम इसके अंदर अपनी तली हुई चिकन डालते हैं। जब ये ग्रेवी पकने लगे तो वो लगभग 5 मिनटों के बाद हाई फ्लेम पर आप इसमें चिकन ऐड करते हैं।
तो चिकन हमने ऐड कर दिया, मेक श्योर जो भी जूसेस चिकन ने छोड़े हैं वो भी इसके अंदर जाएंगे बिकॉज सारे फ्लेवर्स उसी के अंदर है। तो चले हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया, बस हाई फ्लेम पर 5 मिनट पकने दूंगी और फिर इसे मैं ढक कर 5 मिनट और लो फ्लेम पर पकाऊंगी एंड तब तक हमारी चिकन बिल्कुल पक चुकी है, जो कि लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन बिल्कुल पक चुकी है। तो अब हम इसके लास्ट के कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो कि है गरम मसाला पाउडर, चीनी 1 टीस्पून और टमेटो केचप और बटर। तो अब जाएगा बटर, आधा स्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ, बटर चिकन है तो बटर ने तो जाना ही है, और इसके बाद टमेटो केचप, और बस हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है एंड ये बिल्कुल तैयार है। लास्ट इंग्रेडिएंट जो बचती है वो है फ्रेश क्रीम। आप कोई भी हैवी व्हिपिंग क्रीम ऐड कर सकते हैं या कोई भी स्टोर बा हलीब की मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, जो कि मैंने पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर से उठाई थी। आप कोई भी क्रीम, फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून बस डाल ले और तुरंत इसको जल्दी से फटाफट एक मिक्स दे दें और ये बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी स्मूथ इसकी ग्रेवी लग रही है, इस तरह की स्मूथ ग्रेवी होनी चाहिए और इसकी थिकनेस वगैरह बिल्कुल इस तरह से। दोबारा बताती चलूँ, ये वाली मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। तो चले बस हमने मिला दिया, इसे गार्निश करें हरे धनिया के साथ और काजू या शाजीरा या ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।